आज ही सुन को आरआरबी एनटीपीसी 1 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को लोग इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 फरवरी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 42 और पैरों की संख्या 138 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या पूछे आपसे, बकरियों की संख्या आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम में सॉल्व करा दिया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिरों की संख्या दी गई और पैरों की संख्या दी गई, आप यहां से लिखेंगे, ठीक है। जो प्रश्न में दिया गया आप यहां से लिखेंगे, सिरों की संख्या कितनी दी गई है 42 और पैरों की संख्या कितना है 138 है, उनके पैरों की संख्या कितना है 138, आप यहां से लिखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन में पूछा है बकरियों की संख्या पूछा है ना, तो जो क्वेश्चन में पूछेगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट कर लेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम लोग क्या करें उसका अल्टरनेट कर लेंगे। अगर बकरियों की संख्या पूछे हम लोग मान लें जितने भी ये सिर हैं सभी को क्या कर लीजिए मुर्गे बना लिए, सभी को क्या कर लिए मुर्गे बना लिए। अब हमको ये पता है कि एक मुर्गे कितने पैर होते, 2 पैर होते। अब इस तरह से कुल कितने मुर्गे होंगे, 42 मुर्गे। अगर एक मुर्गे के 2 पैर होते तो 42 मुर्गे कितने पैर हो जाएंगे, आप इसमें 2 से गुणा, 2 गुना 4 हो गया और कितना, 2 चौक 8, कि यहाँ पे पैरों की संख्या इतना मिल गई और ये पैरों की संख्या इतना दी गई। तो करना क्या आपको, इन दोनों का अंतर करके आधा कर लिया क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों का आधा अंतर करें कितना मिल जाएगा, 54 मिलेगा। अंतर करने के बाद करना क्या आपको, आधा कर लें, अगर आप इसका आधा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 27। यानी आप बता सकते कि बकरियों की कुल संख्या कितनी है, 27। बकरियों की संख्या कुल कितना पता चली आपको, 27 आपको पता चलिए, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम में बहुत सारे सॉल्व करा दिए, ठीक है। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप नंबर सिस्टम को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, 3000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा, 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप किसमें मानेंगे, साधारण ब्याज का, ये क्वेश्चन आप किसका मानेंगे, साधारण ब्याज का। और हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। तो ये 3 सालों में कुल कितना ब्याज बन जाएगा, 3 सालों में कुल कितना ब्याज बन जाएगा, 10/30%, कितना ब्याज बनेगा, 30% ब्याज बनेगा। और ये क्या मूलधन है, तो आपको करना है कि अगर आप फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना चाहते मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको करना है कि अब ये अपने आप पे 100% मूलधन है, 30% ब्याज चाहिए, आपको करना है कि डायरेक्ट इसका क्या करें, 130% आप निकाल, 3000 का क्या करिए आप डायरेक्ट कितना निकाल लीजिए, 130% आप निकाल, आपको क्या पता चले, मिश्रधन आपको पता चले, डायरेक्ट आपको क्या पता चलेगा, मिश्रधन आपको पता चलेगा। अगर आप फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना चाहते तो ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते। देखिए ये कट गया, ये 00000 कट गया, यहां से गुणा करें 13 कितना हो गया, 39। 13 कितना हो गया, 39। कितने जीरो बचे, 2 जीरो बचे, तो आप इसके सामने 2 जीरो आप लगा, कितना धन हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 3900 रुपए हो जाएगा, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, थर्ड देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन एवं 8000 रुपए का 8% की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। यानी पहले वाले में देखा है तो क्या पता हमको मूलधन पता है, रेट पता है और यहाँ से टाइम पता है, तो आप यहाँ से क्या करिए पहले वाले का मिश्रधन निकालिए और दूसरे वाले का क्या करिए मिश्रधन निकाल करके घटा लीजिए, आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। अब कि हमको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, तो इस तरह से 10% के हिसाब से 3 सालों में कुल कितना ब्याज बन जाएगा, 30% ब्याज बनेगा। तो आपको करना है कि डायरेक्ट क्या करिए, अब इसका 130% आप निकालिए, तो हमको ये पता चल जाएगा कि 3 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा, 130% आप निकालिए बटा कितना हो गया। अब सेकंड वाले की बात कर लिया, सेकंड वाले की बात कर लिया, तो ये क्या यहाँ पे रेट कितनी देगी, 8%। तो इस तरह से 3 वर्ष में कुल कितना ब्याज बनेगा, 8 × 3 = 24, कितना ब्याज बनेगा, 24% ब्याज बनेगा, और ये क्या मूलधन है। तो करना है कि अब इसका डायरेक्ट क्या करें, 124% आप निकालें, तो हमको डायरेक्ट क्या पता चलेगा, मिश्रधन पता चलेगा, 124 और ये बटा कितना हो गया, 100। देखिए ये 00 इसका ये 00 कट गया,
यहां देखिए ये 00 से इसका ये 00 कट गया, यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13×5 63×78, इतना मिलेगा 00। अब करना है कि इसका आप इसमें गुणा करें, अगर आप इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, लास्ट में जीरो तो हमारा रहेगा, 8×6=32 हो गया, 8×1=16, 16 कितना हो गया 16×17=18, 19 हो गया, और यहां से करें कितना हो गया 9। अब करना है कि जो बड़ा होगा उसमें से आप घटा लें, अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 2120। यानी ये अंतर है, दोनों के मिश्र धन में कितने का अंतर है, 2120 रुपए का अंतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और देखा जाए इसमें क्या कहा गया। एक सम चतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण कितना ही है 8.2 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, वैसे आप फिगर बना सकते हैं लेकिन हम लोग फिगर नहीं बना रहे। ठीक है, यहाँ पर मैं बना के दिखा दूँ, अच्छा फिगर बना के आपको दिखा दूँ। ये देखिए आपका सम चतुर्भुज है और ये इसका क्या विकर्ण है और ये विकर्ण, विकर्ण का मान आपको दे दिया गया है इतना और इतना सेंटीमीटर है, तो पूछा है कि इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहां से लिख लीजिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, कह सकते हैं d1 × d2 विकर्णों का गुणनफल होता है कि नहीं होता है। अब यहां से 1/2 है और देखिए d1 का मान कितना दिया गया, यहां से 10 दिया गया और d2 का मान कितना दिया गया 8.2 दिया गया, इतना क्लियर है। इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 2×4 हो गया और ये 2×1=2, ये देखिए 10 है, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर है, यानी आप बता सकते हैं कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, फाइव देखा जाए, इसमें क्या कहा गया। एक गाड़ी 20 लीटर तेल से 150 किलोमीटर जाती है, तो 30 किलोमीटर जाने के लिए कितना तेल लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, 20 लीटर तेल से इतना चलती इतना दूरी तय कर रही, तो 30 किलोमीटर दूरी जाने में कितना तेल लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करें, 1 किलोमीटर तय करने में कितना तेल लग रहा है, हम लोग सबसे पहले ये निकाले, तो इससे क्या करें आप इसमें भाग दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि 1 किलोमीटर तय करने में कितना तेल लग रहा है। ठीक है, 1 किलोमीटर तय करने में इतना तेल लग रहा है, इतना क्लियर है। और हमसे पूछा है कि 30 किलोमीटर जाने में, अगर 1 किलोमीटर जाने में इतना तेल लग रहा है तो 30 किलोमीटर का पता करने के लिए आप इसमें क्या करें, 30 से आप गुणा करें, इसको यहां से डिवाइड कर दूं 5 बार में कट जाएगा और इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 4 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं 30 किलोमीटर जाने में कितना तेल लगेगा, 4 लीटर का तेल लगेगा, 30 किलोमीटर की दूरी जाने में कितना तेल लगेगा, 4 लीटर का तेल लगेगा। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, देखा जाए इसमें क्या कहा गया। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग इतना है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। देखिए सबसे पहले अगर रियल में देखा जाए तो 3 संख्याएं रही होंगी, जब इनके बीच में रेशियो लगा दिया गया तो किसी सेम संख्या से काटने वक्त ये अनुपात मिल गया। अगर मुझे करना है कि फिर से वो संख्या प्राप्त करनी है तो हम लोग क्या करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें, तो वो संख्या मुझे पता चल जाएगी। तो x से हम लोग इसमें गुणा कर दे, इसमें भी x से, इसमें भी x से गुणा कर दे, ये 7x हो गया और ये कितना हो गया 8x हो गया, और उनके वर्गों का योग इतना दिया गया। अब देखिए संख्या आपको पता चले, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा, वर्ग करेंगे कितना मिल जाएगा 9x² मिलेगा। यहाँ पे वर्गों का योग दिया गया तो हम लोग क्या करें, यहां से भी वर्ग कर रहे हैं। ठीक है, वर्ग हम लोग कर रहे हैं, अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 49x² मिलेगा, इसका स्क्वायर करें कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, 64x² मिलेगा। अब इनके वर्गों का योग कितना दिया गया, इतना दिया, अगर आप यहां से जोड़िए इन सभी को जोड़ें कितना मिल जाएगा, 122x² मिलेगा, इतना क्लियर है। अब कि यहां से उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना, इतना है, लेकिन क्वेश्चन में इतना दिया है, आप करिए कि इसको बराबर कर लीजिए, क्या करिए बराबर कर लीजिए, 122 हो गया x² और ये कितना है 7808। अगर इसको यहां से डिवाइड कर दो तो कितनी बार में करिए, 64 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, 64 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो x² बराबर इतना है। तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना पता चलिए आपको, 8। अब देखिए हमको x का मान पता चलिए
तो प्रश्न क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो करना है कि देखिए यहाँ पे जो रेशम है सबसे छोटा होगा उस मिला के गुणा करिए। तो रेशम सबसे छोटा ये एक्स का मान आपको पता है, इसमें रख के गुणा करिए कितना हो जाएगा, 8 3 का 24। कितना हो जाएगा 8 3 का 24, यानी आप बता सकते कि सबसे छोटी संख्या कितनी है, 24। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 7 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, अंश में 30% की वृद्धि करने पर, हर में 65% की वृद्धि करने पर भिन्न इतना 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या थी, इसमें आपसे ये पूछा। अगर हम लोग मान लें कि माना मूल भिन्न कितना, हम लोग कह सकते हैं a/b है, ठीक है, मूल भिन्न हम लोग मान रहे हैं। अब इसमें ये कहा गया कि अंश में कितने की वृद्धि करा, ये 30% की वृद्धि करा, तो ये जो भी अंश है अपने आप 100% है। अगर इसमें 30% की वृद्धि कर देगा तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 130% हो गया। हर में कितने की वृद्धि करा, ये 65% की वृद्धि करा, तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 165%। अब इसको सॉल्व करने पे इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 4/5 के बराबर है। तो आप यहां से कर लीजिए 4/5, देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इतना क्लियर है। 5 से देखिए कटेगा तो हम काट के छोटा करें, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 के और ये 5 3 15, इतना क्लियर है। अब देखिए 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, काट के हम छोटा करें, 2 बार में कट जाएगा, इसको डिवाइड करो कितनी बार में कट जाएगी, 65 बार में ये कटेगी। अब तो इससे छोटा तो होगा नहीं, तो इससे कटेगा, तो आप कह सकते हैं कि मूल भिन्न क्या थी, इन दोनों का गुणा करें कितना, 66 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा, 65। त्रिक में गुणा करें तो आपको ये चीज आपको मिलेगी, यानी आप बता सकते हैं कि मूल भिन्न क्या थी, 66/65, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 9 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 20 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसमें आपसे ये पूछेंगे। इस क्वेश्चन को हम क्या करें, MDH के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करें, 15 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया, 20 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, 20 व्यक्ति हम लोग मान लो उसी कार्य को x दिन में करेंगे। अगर कोई काम है तो 15 व्यक्ति 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, अब पूछा क्या, वही काम 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, हम लोग मान लो x दिन में करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपको क्या जाएगा आंसर है, x से बराबर कितना आ गया, 15। यानी आप बता सकते हैं कि 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में फिनिश कर लेंगे, 15 दिन में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 10 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 120 रुपए में कोई वस्तु बेची गई तो 5% की हानि हुई, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप क्या रहेगा, 100% रहा होगा। उस वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप 100% रहा होगा। अब ये करके 5% की हानि पर ये बेच रहा है, अगर इसमें से 5% की हानि पर बेच रहा है तो इसमें दाम कितने के ले रही है, 95% का दाम ले रहा है, और रुपये में कितना ले रहा है, 120 रुपये ले रहा है, तो कह सकते 95% के ये बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना है कि इसमें 95 से भाग दे दीजिए, 120 में क्या करिए, 95 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा, आप ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 11 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, षष्ठभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, षष्ठभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप यहां से लिख लिए, ठीक है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप यहां से क्या होता है, 3 3/2, ठीक है, और यहां से ये भुजा का स्क्वायर। अब कि इसका मान हमको पता है, भुजा का मान कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर दिया गया। अगर आप यहां से क्या करें, 5 रख के उसका स्क्वायर करें, 25 मिल गया, 25 आपको मिलेगा, 25 का इसमें गुणा करें, 25 दिया कितना हो गया, 75, तो कितना मिल जाएगा, 75/2, और ये कड़ी में कितना हो जाएगा, 3। ये इसका क्या गया आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। 12 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, अब देखिए क्वेश्चन में इस तरह से दिया और पूछा गया का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, यानी इन दोनों का क्या पूछा आपसे, एलसीएम और एचसीएफ आपसे पूछा गया। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एलसीएम और एचसीएफ का, तो वहां पे आपको पूरा डिटेल में बताया था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये पूछा कि भिन्नों का एलसीएम पूछा है ना, तो आप यहां से लिख लीजिए, भिन्नों का
एलसीएम बराबर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं आंसुओं का एलसीएम निकालते हैं और हारों का क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। और नीचे वाला क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, तो आप कह सकते कितनी है 3। ये इसका क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये इनका क्या करना आपको एचसीएफ निकालना, तो आप यहां से लिख लीजिए कि भिन्नों का एचसीएफ बराबर, भिन्नों का एचसीएफ बराबर आपको करना कि अंशों का एचसीएफ निकालेंगे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन से जो इन सभी को डिवाइड करेगी 1 है। और नीचे वाले क्या करना आपको एलसीएम आपको निकालना है, तो नीचे वाले का एलसीएम जब निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये इसका क्या गया आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था, जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको पूरा डिटेल बताया, उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया। चलिए वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। 14 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से 3 गुनी एवं सी की आय की 1/2 है, बी की आयु 28 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा गया हम लोग उस बात को फॉलो करें, ए लिख लीजिए बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए। ए की आय जो बी की आय से कितना 3 गुनी, ए की आय बी की आय से कितना 3 गुनी, तो आप इसको क्या करिए 3 आप बना लीजिए। और जो ए की आय है वो सी की आय कितनी है आधी है, मतलब कि 1/2 का मतलब क्या आधी है, जो ए की आय है वो सी की आय से कितना आधी, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा ये 6 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया ए की आय जो सी की आय की आधी, इतना क्लियर है। और देखिए बी की आय उनको पता है कितना, ये 28 वर्ष है, बी की आय कितना 28 वर्ष है, अगर रेशियो में देखा है तो बी कितना 1 है, आपको करना है कि इससे क्या करें आप इसमें भाग भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी 28 बार जाएगी, हमको एक रेशियो का मान पता चल गया। और क्वेश्चन में पूछा कि ए की आय पूछा ना, तो जितनी बार भाग गई ए वाले में लाके आप गुणा कर दिया आपको क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 3 × 8 कितना हो गया 24 हो गया, और 3 × 2 = 6, 6² कितना हो गया 8, यानी आप बता सकते हैं कि ए इस समय कितने वर्ष का है 84 वर्ष का। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। 15 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया, 7 साल में साधारण ब्याज मूलधन का 56% हो जाता है, तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी जो भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा। अब प्रश्न ये चाह रहा है कि साधारण ब्याज भी क्या हो जाए मूलधन के बराबर हो जाए, साधारण ब्याज भी क्या हो जाए मूलधन के बराबर यानी 100% हो जाए, तो आपसे पूछे कि कितना टाइम लगे, तो हमको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट, 7 वर्षों में अगर इतना ब्याज बन रहा है, अगर हम लोग क्या करें इसमें 7 से भाग देंगे तो हमको क्या पता चलेगा रेट पता चलेगा, अगर हम लोग क्या करें 56 में क्या करें 7 से भाग तो हमको क्या पता चलेगा रेट पता चलेगा, 7/2 कितना हो गया 6, यानी रेट हमको पता है कितनी है 8% वार्षिक, कितना है 8% वार्षिक। अब प्रश्न ये चाह रहा है कि जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर हो जाए, तो टाइम आपसे पूछा गया, तो आपको करना है कि ये 100 हो जाए ना, आपको करना क्या है आप क्या करिए 100 में क्या करिए आप जो रेट दी गए इससे क्या करिए भाग दीजिए, तो टाइम आपको पता चल जाएगा, जो 100 है इसमें क्या करिए आप रेट से भाग दीजिए तो आपको टाइम आपको पता चल जाएगा, अगर आप भाग देंगे 8 × 1 = 8 हो गया, और 2 इधर गया 8 × 2 = 16, और बचा कितना हमारा 4 बच गया, 4 में 8 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 8 × 4 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8, इसको काटे कितना मिले 0.5, कितना मिल जाएगा 12.5%, कितना मिल जाएगा 12.5%, कितना समय लगेगा 12.5 वर्ष का समय लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना एक बार आपको फिर से बता दो, वो चाह क्या है जो साधारण ब्याज है मूलधन के बराबर है 100% के बराबर है, हमको ये भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट, अगर 7 साल में इतना हो रहा है इतना बन रहा है तो आप करिए कि रेट पता करने के लिए प्रतिवर्ष रेट पता करने के लिए आप इसमें भाग दें तो हमको वार्षिक रेट पता चलिए। अब ये 4 के 100 चाह रहा है ना, तो आपसे टाइम पूछेंगे इससे क्या करें 100 में भाग दे दीजिए आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं। ठीक है, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे जिन्हें मैंने क्या कर दिया आपको सॉल्व करके दिखा,